10 वर्षों में हुए मनरेगा कार्यों की होगी जांच। संत कबीर नगर निजी संवाददाता से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जिले में हुए मनरेगा के कार्यों की विधिवत जांच होगी। जांच भारत सरकार करा रही है। टीम जांच के बाद अपनी रिपोर्ट भी सीधे भारत सरकार को ही देगी। जांच में देखा जाएगा कि मनरेगा से जो कार्य हुए हैं उससे जिले के विकास में कितना फायदा हो रहा है या उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है। जांच टीम 4 अप्रैल से लगातार 15 दिन जनपद में रहेगी। टीम एक एक कार्य का स्थलीय निरीक्षण करेगी। मनरेगा से हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। इससे वास्तव में विकास हो रहा है कि नहीं, इस पर भारत सरकार अब गंभीर हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी जनपदों से इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। इसकी जिम्मेदारी IIM काशीपुर को सौंपी गई है। IIM काशीपुर की प्रोफेसर कुमकुम भारती के नेतृत्व में जनपद में टीम आएगी। टीम जनपद में पिछले 10 वर्षों में हुए मनरेगा कार्यों से भौतिक संसाधनों के विकास की समीक्षा करेगी। टीम की विशेष नज़र तालाब पोखरों पर होगी, क्योंकि मनरेगा से भारी संख्या में तालाबों की खुदाई सुंदरीकरण का कार्य हुआ। इन कार्यों से जल संरक्षण के संबंध में कितना लाभ मिला है उसका भी आकलन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा योजना से गांव कितने समृद्ध बने हैं और उनके संसाधनों में कितनी वृद्धि हुई है इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मार्कंडेय शाही जिलाधिकारी ने कहा, भारत सरकार ने मनरेगा से जनपद में 10 वर्ष की उपलब्धियों का आकलन करने की जिम्मेदारी IIM को दिया है। टीम 4 अप्रैल को जिले में आएगी और 15 दिन रहेगी। मनरेगा कार्यों से हुए भौतिक संसाधनों की वृद्धि, जल संरक्षण आदि विषय पर जानकारी लेते हुए रिपोर्ट भारत सरकार को देगी।